सुप्रभात मैडम बच्चों, हमने कक्षा 9 के लिए, क्लास 9 के लिए लेसन 3, जिसका नाम सोमप्रबंध है, वो उसका कुछ ये नाट्यांश है, उसके कुछ भाग मैंने पढ़ाए थे इससे पिछले वीडियो में। आज इस नाटिका का जो आगे की भाग है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पुनः मैं पहले पढ़ाए गए भागों का जो भाग है उसके बारे में आपको फिर परिचय करा देता हूँ, ताकि कहानी सीक्वेंस में रहे और आपको याद रहे। तो सोमप्रभा जो है वो एक 5 साल की बच्ची है, बिमला उसकी माँ का नाम है, और वहाँ एक और कैरेक्टर होता है इस नाटिका में, ससुरु। ससुरु जो है वो उसका मतलब सास, और ससुरह का मतलब है ससुर, यानी सास ससुर सोमप्रभा जो 5 साल की बच्ची है, बिमला उसकी माँ है। और यह जो कहानी है सोमप्रभा जो नाटिका है, यह दहेज उत्पीड़न के ऊपर आधारित है, और उसमें एक बहू के ऊपर सास के अत्याचार का कहानी बताया गया, जिसमें दहेज न देने के कारण बहू को जला के मारने का प्रयास किया जाता है, और सोमप्रभा की वो छोटी सी बच्ची की वीरता की कहानी है। इसके राइटर हैं इस कहानी के प्रोफेसर राधा बल्लभ त्रिपाठी, और यह प्रेक्षण सप्तकम नामक ग्रंथ से लिया गया, जिसका राइटर राधा बल्लभ त्रिपाठी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नाटक शुरू होती है, फर्स्ट सीन आता है, दृश्य आता है कि सोमप्रभा जो 5 साल की बच्ची है वो दोनों हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए उठती है और स्कूल जाने से मना करती है। तो उसकी माँ ने अपनी बच्ची को समझाया कि स्कूल जाना चाहिए हर एक बच्चे को, ये तो बुरी बात है, सभी को स्कूल चलना चाहिए, और फिर मना करके तैयार करके सोमप्रभा को स्कूल भेज देती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसकी सास यानी ससुर जो है, ससुरु सास, वो आवाज देती है, ए बिमले कहाँ मर गई तू, इतने देर से आवाज आ रही हूं। तो बिमला कहती है कि मेरी सास देखो मन ही मन कहती है कैसी है, कि जब कभी भी अच्छी बात नहीं बोल रही है। तो वो अपने मन को समझाती है कि जब ये सास मुझको आवाज देती है तो हमेशा कटु शब्द से ही संबोधन कर, कभी प्रेम से बात नहीं करती। फिर वो बोलती है, अरे कहाँ मर गई, तो विमला कहती है, ए अम्ब मैं आई, हे माँ मैं आ रही हूं, अब यहां से आगे, यहां तक मैंने पढ़ाया था, अब इससे आगे मैं पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। विमला, अम्ब की माँ दिस क्या आदेश है, ससुरु विडम्बयंती थोड़ा रुक करके, किम आदिशीसि, अरे क्या आदेश दे तुमको, कटाक्ष कर रही है, किम इदानम्पि महादेव्या प्रभात कालो न संजाता, क्या महादेवी को आज सुबह नहीं हुआ, सिर्फ सोई रहेगी। ऐसा बात वो बोल रही है, कौन, ससुर सास, किसकी सास, बिमला की सास। आगे आए, बिमला कहती है, प्रातः कालिकम कार्य जातम मेव शमतयाम, अरे सुबह से ही तो माँ काम समाप्त करने के लिए हम लगे हुए थे, इतनी सारी काम था, उसी वही काम कर रहे थे, बच्चे को तैयार करना, विदा करना, सबका नाश्ता बनाना इत्यादि समझा रही हूँ। फिर ससुर सास कहती है, प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसि इदानमपि चाय पेयस नास्ति कापि कथा, तब पिता आगत्य साधिष्यति किं चाया, अच्छा वो सास क्या कर रही है, ताना मारती हुई कह रही है, सास सुबह होने वाला काम निपटा रही हो, तो इदानीम अपि अब तक भी चाय पेयस्य यानी चाय जो होता है ना टी, नास्ति नहीं आया, कापि कथा इसका क्या कहानी है, यदि तुम काम ही कर रही हो, एक कप चाय भी अभी तक नहीं बना, इसके बाद क्या कर रही है। तब पिता आगत्य साधे सती किं चायम, तुम्हारा बाप आके चाय बनाएगा क्या, ऐसा बात सास ने कहा, किसको कहा, बिमला को कहा। बिमला कौन है, सोमप्रभा की माँ है, ये जो नाटिका पढ़ रहे हैं राइटर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। अब डॉट 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 वहां दिया हुआ, यानी गुस्सा करके बुरा गाली उली बोली होगी जो भी कुछ, ये न काकनी अपी न दत्ता, बोलती है पूरा बुरा भला कहते हुए, एक कौड़ी भी नहीं दिया, हीन काकनी यहां पर बोली है, जिसने कौड़ी, कौड़ी बोलते हैं
मैं नहीं, पैसा जो मनी है उसका छोटी सी इकाई, उस समय में पैसा कौड़ी बोलते हैं ना, पैसा कौड़ी, तो वही एक कौड़ी भी यानी कुछ पैसा तक दहेज भी नहीं दिया। हाँ, इसका बाप चाय बनाएगा, ऐसा बात उसकी सास बोल रही है। विमला कहती है, मम पितृपादम किमर्थम कदर्श्यसि अम्ब। विमला कह रही है, माँ मेरे पिताजी को क्यों निंदा कर रही हो, इसमें मेरे पिताजी का क्या दोष है। यत किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय, जो भी कुछ कहना ना माँ आप मुझको कहो, मेरे बाप को क्यों बोल रही हो, उसको बुरा लग रहा है विमला। ये बच्चों आजकल की सामाजिक घटना है ये, जो त्रिपाठी जी ने लिखा है। तो देखो, शत्रु वो सास सौ भूभंगम भुजक्षेपत च, भौं को चढ़ा के आंख दम करा करके गुस्सा से हाथ को पटक कर क्या बोल रही है, आय है श्रेयत अस्या दुष्टाया अधरोत्तरम, हाय हाय सुनो इस दुष्टा के मुंह से उत्तर को। ये क्या उत्तर दे रही है, जवाब दे रही है मुंह लगी हुई। एतावानी प्रियो यदि पिता तरही तत्रैव गत्वा कथं नो मृता पितृगृहे, यदि तुम्हारे पिताजी इतने प्रिय हैं क्यों नहीं पिताजी के घर जाके मर जाती हो, चल जाओ बाप के घर में जाकर मर जाना, इतना यदि बाप का इज्जत का प्यार है। एक तो गलती की, सुबह से हमें चाय नहीं दी, ऊपर से कहीं कहीं कर रही हो, सास बड़ा बुरा बोल रही है। किसको बोल रही है, सुप्रभा की माँ। कौन है, बिमला। अब आगे आए, बिमला कहती है तीसरा सीन में, सो तु माम ने तुम आगत श्रावणे बिगते भवती भीड़े डॉट डॉट डॉट। बिमला यहाँ कर रही है, अरे वो तो मुझे पिछले सावन में लेने के लिए आए थे लेकिन आपने ही यानी जाने नहीं दिया। ससुर सास कहती, यही दुष्टे वेतनस्य गर्वम उद्वहसी। सास कहती, अरे दुष्टा तुम जो वो बिमला कुछ काम वाम कर रही थी तो उसको सैलरी मिलता था, तो बोलती है वेतनस्य गर्वम उद्वासी, तुम हमको वेतन का पेमेंट का गर्व दिखलाती हो, मैं पैसा वाली हूं। अति मात्रम गर्विता चतुरा पनकान अर्जित्वा अनायस इत्यतीन, यहां पर कर रही है 3-4 पैसे कमाकर बहुत घमंडी हो रही है। अब आगे, निष्ठी वनम करोमि तपपन केसु, यहां शब्द आया निष्ठी वनम, निष्ठी वनम मतलब थूकना, तुम्हारी पनक पर वो पैसे पर मैं थूकती हूँ आंखों, ऐसा कौन बोल रही है, सास बोल रही है। कौन, किसकी सास, विमला की सास। ये नाटक में और देखें कि मन से तुम अर्जित्वा धनम आनयसि, क्या मानती हो कि तू धन कमा के लाती हो, ऐसा तुम मानती हो। किम तब धनम तत्, अरे क्या वह तेरा धन है, वो तो तू मेरी बहू है इसीलिए तू कमा के लाती हो, तो मेरा बाप का है, तेरा धन है क्या, तुम कमा के ला रही हो, ऐसी बात बोली है सास। तब पिता यावंतक यौतक राशि प्रतिज्ञावान तावतो अधर्मेव समर्पितवान, यौतक राशि का मतलब होता है बेटा दहेज यानी डॉरी सिस्टर। तो यहां बोल रहे हैं कि तब पिता, तुम्हारे युष्म शब्द का तब, तुम्हारे पिता यावंतक जब तक यौतक राशि प्रतिज्ञावान, अरे तुम्हारे पिताजी ने जितनी दहेज राशि देने का प्रतिज्ञा किया था, क्या बोलते हैं, तावत अर्धमेव समर्पितवान, यानी अब तक उसका आधा तक नहीं चुका पाया तेरा बाप, कंगाल भिखारी चल, ऐसा बात बोल रही है सास उसकी। विमला कहती, अहो नृशंसता युष्माकम अहो लोलुपता डॉट डॉट डॉट, यानी विमला यहां पर कह रही है यह आपकी क्रूरता है, यह आपकी इतनी लालच है, पैसा भी दिया बेटी भी दिया इतना इज्जत कर रहे हैं और फिर आप ऐसा बात बोल रहे हैं। ससुर सास कहती है, अये एतावान स्तब साहसम तुम तो माम अक्षिपसि नेत्रे दर्शयसि माम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ताना दे रही है, हाँ और मुझे आंखें दिखा रही है, अब वो एकदम फाइटिंग के लिए आक्रामक हो गई है बेटा। अब देखो किसकी सास अब क्या करने वाली है। यह सीन के बाद अचानक सोसुरा प्रविष्ट, सोसुरा का मतलब ससुर, मैंने बताया अभी तक तो सास पुतों का चल रहा था, अब ससुर महाराज आ गए। सोसुरा किम जातम, अरे क्या हुआ, कुवयम कहलाड़म बड़ा प्रातः कालाते, अरे सुबह सुबह ऐसा कलह क्यों हो रहा है, क्यों सुरगुड़ हो रहा है भैया, प्रातः कालिकम चायम इदानीम यावंतम लब्धम,
अरे सुबह का समय हो गया, अभी तक चाय भी नहीं मिला, ऊपर से ये शोरगुल हो रहा है। ससुर सास बोली है, का कथा चाय पानस्य, अरे चाय का कहानी क्या पूछ रहे हो, त्रोटितानि अनया दुष्ट आया चाय भाजनानी। अब सास नून तेल लगा के ससुर को भड़का रही, कहती इस दुष्ट ने चाय के बर्तन को तोड़ दिया। तुम चाय की बात कर रही हो, जबकि झगड़ा हो रहा था, किसी बात से बिना अकारण सास लड़ रही थी, और वो बोल रहे हैं ससुर को कि यम दुष्टा, यानी यह जो दुष्टा है, दुष्ट अपनी बहू के बारे में त्रुटि तानी तोड़ दी चाय भाजनानी, चाय के बर्तन को, नौ मयाप किमपि भणितम। अरे जब वो चाय की बर्तन भी तोड़ दी तो मैंने कुछ नहीं कहा, भणितम यानी कहा, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, तथापि अति क्षिपसि मामि अयम, फिर भी मुझको ये बात कहे जा रही है। वयम निशंसा, अरे हमको बोलती है तुम क्रूर हो। वयम लोलुपा, अरे हम लोग को ये लालची बोल रही है। वयम राक्षसा, हम दोनों को ये लालची राक्षस बोल रही है। देखो नमक तेल लगा के, मिर्च मसाला लगा के सास ने ससुर को ये प्रस्तुत कर दिया। ससुरा, ससुर कहता है, ये तत् सर्वम कथितम अनया, इसने यह सब बात कहा है, राक्षस कहा है, क्रूर कहा है। अब देखो गुस्सा आ गया, विमला कहती है, ना मैयम एतत् कथितम पिता, पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि बात सही है, उसने विमला ने कुछ नहीं कहा था। ससुरा, ससुर कहता है, ससुरु सास कहती है, पश्यत पश्यत अस्या दौरात्म्यम दुर्भागाया, देखो देखो इस अभागिन को, देखो इस दुष्टता को कैसे बोल रही है। किं किं दुष्ट कृत्यम इयम न करोति, ये क्या क्या बुरा काम नहीं करती है। सम्मुख में प्रत्युत्तर अपि ददाति, अरे सामने में तो मुंह लगा के जवाब दे रही है। जिह्वायां चालति यम मत समक्षम, मेरे समान सामने में ये जिह्वा चला रही है, जवान चला रही है, बड़ों से अदब नहीं कर रही है, ससुर है हम है, अतः पटपट पटर पटर बोल रही है। ऐसा बात सास बोली है किसके लिए, विमला के लिए। विमला कौन है, सोमप्रभा की माँ है। मैं बार बार इसको टोक रहा हूँ, चूंकि प्रश्न में इस प्रकार के आते हैं। आगे क्या होता है देखिए, ससुरा ससुर सक्रोधम गुस्सा के साथ, अहो अस्या दुस्साहसम, और इसका इतना दुस्साहस, ये बहू होकर के ऐसा काम कर रही है गुस्सा के साथ। अब नेक्स्ट सीन है, ससुरा स्वसुरश्च तां न पश्यत उभौ शोकोदयम् सहिंस भावम विमलाम निभालयन्तौ तामुत्सर्पतः। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो ससुर है और ये जो सास है, ताम न पश्यत, नहीं देख रहे हैं, उभौ दोनों संक्रोधम सहस्त्री भावम विमलाम, विमला को गुस्सा के साथ निभालयन्तौ तामुप सर्पतः, उसके साथ एकदम गुस्सा से देखते हैं, उसके पास धीरे धीरे जाने लगते हैं, अब कुछ करने वाले हैं विमला को ये लोग। सोम प्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, उसी समय स्कूल से सोम प्रभा आती है और ऐसे देखती है जो कुछ हो रहा है। वो छोटी सी 5 साल की बच्ची विमला, विमला कहती है अपने ससुर को, माँ को, सास को, अम्ब पिता माँ बाबूजी, नो मया किमपि अपराधम सत्येन सपामी, मैं कसम से बोलती हूँ मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, मैं सपामी कसम खाना, प्रॉमिस। किम इति युव मावयम पश्यत, आप दोनों युयम, आप दोनों इस प्रकार मुझको क्यों घूर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। नहीं, नो मांग ताड़ियु तुम अर्हंती भवंता, मुझको मत मारो, मुझको मत मारो। उभौ वह दोनों यानी सास ससुर जिंघासाया बलात् विमलाम गृहीत्वा प्रकर्षयतः, क्या कर रहे हैं वो दोनों सोम प्रभा, ये विमला को कितना भी बोल रही है कि मैं कसम खा रही हूं मैंने कोई अपराध नहीं किया, दोनों जिज्ञासा यानी मारने की इच्छा से जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, बलात् बलपूर्वक विमलाम गृहीत्वा प्रकर्षयतः, विमला को खींचते हुए ले जा रहे हैं वहां से। सोम प्रभा वो जो छोटी सी बच्ची है, भयस्ता नाति मंदस्वरीन, पूरा डर से धीरे से बोल रही है, अम्ब अम्ब माँ माँ, आवाज भी डर से नहीं निकल रहा है अपने दादा और दादी की करतूत को देख करके। ससुरो ताम पश्यंतो विमलाम कर्षतः, ससुरो यानी सास ससुर दोनों ताम पश्यंतम उसको देखकर यानी विमलाम कर्षतः, विमला को खींचे जा रहे हैं। ससुरा ससुर बोलता है, नयत ये नाम, नहीं सास बोल रही है, ससुरु सास बोल रही है, नयत नी धातु है, ले जाना, नयत ले चलो ये नाम इसको, महान सम, महान सम बोलते हैं रसोई घर, ले चलो किचन में इसको, यम तत्रिक ज्वलतु, इसको वहीं पर जला देते हैं आज।
तो सास क्या बोल रही है, नया दिए नाम महान सन, ले चलो इसको रसोई घर में, यम तत्री ज्वलती, उसको वहीं पर जला देते हैं। सोम प्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रमती, सोम प्रभा वहां तुरंत अचानक से वो 5 साल की बच्ची निकल के दौड़ पड़ती है। विमलाम आत्म त्राणाय सौ प्राण पणंग प्रयते नेपथ्ये गीयते। विमला अपनी अपने आप को बचाने के लिए रो रही है, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। क्या आवाज आ रहा है, एक गाना चलता है, देखो एक आवाज आ रहा है। छने छने प्रवर्धते धना हिंस्त्राखले, निर्लोप्यते निर्दयम् च जंतु भी मनुष्यता विभाजितम् जगत द्विधा निहन्ये च घातकै, रतीव दन्य मा गतास्तु साधुता मनुष्यता। अर्थ बोल रहे हैं, छने छने प्रवर्तते, बिल्कुल समय समय पर बढ़ता ही जा रहा है ये हिंसा, ये मारपीट, ये बहू को जलाना, ये धन लूटता, यानी दुष्ट के द्वारा प्रतिथन धन के लिए हिंसा बढ़ाई जा रही है। क्यों, उनको क्या चाहिए था, जातक राशि दहेज, जीवों के द्वारा अति निर्दयता से क्या बढ़ाई जा रही है, मनुष्यता समाप्त की जा रही है। घातक हिंसक लोगों से संसार दो भागों में बट गया है और नाश किया जा रहा है, सज्जनता और मानवता ये दो भाग है, उसका नाश किया जा रहा है। आज बहुत दीनता को प्राप्त कर चुकी है समाज, दीन यानी गरीब, बहुत दीन स्थिति में समाज है। यहां आगे का सीन होता है सातवां, विमलया तीव्र चित्कारा, विमला की तेज चित्कार आ रही है, आवाज चित्कार यानी जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, उसको किचन में जाके जलाने के लिए लोग चल रहे हैं। उसी समय में, इस चित्कार के समय में ही पुरुष निरीक्षकेन सह शुभाम सोम प्रभा प्रवेश, पुरुष निरीक्षक मैंने यहाँ पर लिखा, पुरुष निरीक्षक यानी पुरुष इंस्पेक्टर, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर। सोम प्रभा जो वहां दौड़ी थी, जो कहानी में हमने पढ़ा, वो दौड़ के सीधा थाना चली जाती है। अब देखो कहानी में यहाँ पर क्या ट्विस्ट आ रहा है कि पुलिस निरीक्षक आ जाते हैं, पुरुष इंस्पेक्टर उपश्रित पास आकर, ए किंग क्रियते किंग प्रचलयत्र, अरे यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुंचत ये नाम, छोड़ दो इसको, मुंचत छोड़ दो ये नाम, इसको इसको छोड़ो, इसको डांट रहे हैं उस सास ससुर को, बहू को छोड़ने के लिए, वो जलाने ही वाला था। विमला चिल्ला रही, ससुर सास संभ्रमम, अब यहाँ पर सास घबराहट, घबराहट के साथ, संभ्रमम का मतलब घबराहट, घबरा गई पुलिस को देख करके, संभ्रमम महाभाग क्या बोल रही है, ये महोदय श्रीमान सर नो किमप्य अत्यहितम, अरे सर हमने कुछ इसका अहित नहीं किया, बुरा नहीं कर रहे हैं। यम अस्माकम साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, यह जो है ना, यह हमारी सीधी साधी पुत्र वधु है, स्नुषा यानी पुत्र वधु, और रुग्णा वर्तते बीमार है। सास ससुर बोले मैंने कुछ नहीं, इसका बुरा नहीं कर रहे हैं, अहित नहीं कर रहे हैं, पुलिस को देखते ही डर जाते हैं, इसका इलाज कर रहे हैं। अब निरीक्षक इंस्पेक्टर बोलता है, उपचारा क्रियते, इलाज किया जा रहा है, युवयो उपचारम हम करिष्ये, अब तुम दोनों का उपचार इलाज हम करेंगे, हम करिष्ये मैं करेंगे, चले थाना मत चल, अच्छा अच्छा डंडा देंगे, इलाज तुम दोनों का मैं करूंगा। क्यों भैया, सर्व अहम जानामि, मैं सब जानता हूँ, सोम प्रभाम निर्दस्य, बच्ची सोम प्रभा को दिखलाता है, इशारा करता है, बोलता है इस बच्ची ने हमें सब बता दिया पूरा कहानी, कि तुम लोग क्या कर रहे थे, अभी इसको किचन में ले जाके कौन सा उपचार कर रहे थे, सारा कहानी हमको बताई बच्ची ने, सर्वम निवेदम निवेदितम अनया बालिकया, इस बालिका ने सारा कुछ निवेदन कर दिया, सब कुछ मुझे बता दिया है, अब चलो तेरा इलाज मैं करूंगा अच्छा से। ससुरा ससुरश्च विमलाम मुंचता, सास ससुर विमला को छोड़ देते हैं। अब यहां कहानी आठवां सीन आता है, विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, विमला को इतना मारा गया था, वो कराह रही थी दर्द से, सीन इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए किसी मूवी की तरह, किसी पिक्चर की तरह, कि उसको बहुत मारा पीटा गया था, और पुलिस के आने पर जब उसको छोड़ा गया, तो वह कराती हुई किसी प्रकार अपनी बेटी के पास, सोम प्रभा के पास आई और बोलती है, पुत्री तुम कथम तुम ही बेटी, तुम ये सब यहाँ कैसे, ये सब क्या कर रही तुम। सोम प्रभा कहती, अम्ब ए माँ मम उपान हो, तो मेरे जूता टूट गए था ना, स्कूल जा रहे थे, तुम
पुस्तक मंजूषा चौ टूटते थी, जिसके कारण मेरे पुस्तक मंजूषा भी टूट गया, गिर गई थी वो जूता टूटने के कारण, और बैग भी गिर गया। अध्यापिका मान कक्षाया निष्कासित होती और टीचर ने मुझे क्लास से निकाल दिया, चूंकि मेरे शूज टूटे हुए थे, मेरे बैग टूट गए थे। तो या उत्तम मासी, तुमने कहा था विद्यालयात गृहमेव अविलंब आगंतव्यम, कि स्कूल से घर जल्दी आ जाना चाहिए, इसलिए टीचर ने हमको निकाला क्लास से, मैं सीधा घर आ गई संजोग देखो मां, अतो हम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई रोदिती। और बहुत रोने लगती है वो सोमप्रभा, छोटी सी 5 साल की बच्ची। विमला मां रोदी पुत्री, बेटी मत रो, बेटी को मां सांग मार खाई हुई थी मां, और बेटी रो रही है, मां को चुप कर, मां चुप करा रही बेटी को, सर्वम उपन्नम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा कहती है बच्ची, अत्र आगत्य मया दृष्टः यत् पितामह पितामही च त्वं मार्यतः, मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा पितामह दादाजी, पितामही दादी, दोनों तुमको मार रहे थे। अतो हम धावम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते स्थानकम मतलब थाना पुलिस स्टेशन गता, चली गई पुलिस निरीक्षकाय मया निवेदितम, मैंने पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर को पूरा निवेदन किया। विमला बोलती है सौ वाष्पम सौ गदगद कंठम मालिंगे सोम प्रभा, रोते हुए सोम प्रभा को गले से लगा देती है और रोते हुए क्या बोल रही है, तो एम अहम त्राता, अरे तुम तो मेरी जान बचाने वाली हो बेटी, तुम तो छोटी मेरी जान आज जिंदगी बचा दी। माता संकटात तुम माम उद्धृतवती, हमको तुम संकट से निकाल ली, उबार ली, मेरी जान बचा दी। प्रियं कृतं त्वया मे, अरे यहाँ विमला बोल रही है तुमने मेरा प्रिय अच्छा किया है, मेरा कल्याण किया है। और इस प्रकार ये सोमप्रभा का नाटक यहाँ यह कथा समाप्त हो जाता है। तो बच्चों हमने ये सोमप्रभा चैप्टर लेसन 3 पढ़ा, यह एक नाटक है, इसमें सोमप्रभा पुत्री की रोल में है जो 5 वर्ष की है, विमला उसकी माँ की, स्वस्वरूप का मतलब मैंने सास बताया, ससुरा का मतलब ससुर, पुलिस निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर, निरीक्षक इंस्पेक्टर। ये कथा प्रेक्षण सप्तकम से लिया गया, राइटर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का था। और आगे के वीडियो में मैं कुछ प्रश्नोत्तर और इसके बारे में आपको बताऊंगा, तब तक घर पर रहिए और फेयर 1-2-3 लेसन का कंप्लीट कीजिए, ये 9th क्लास का लेसन 3rd का 2rd भाग का वीडियो है। धन्यवाद बच्चों।